Namaskar, myself Manju Suthar, lecturer, costume designing and dress making, Government Women Polytechnic College, Bikaner. Aaj hum second year ke subject drafting and garment construction code 208 ke unit 7 ke topic darning par charcha karenge. Bachcho darning, darning ka hindi mein arth hota hai rafu karna. ये जो शब्द है रफू करना ये हम में से बहुतों का परिचित है मतलब हम लोग जानते हैं कि रफू करना एक्चुअली होता क्या है देखिए रफू करना मेंडिंग का ही टाइप है मतलब कपड़े को मरम्मत करने का एक तरीका है रफू करना या डार्निंग करना डार्निंग एक्चुअली इस प्रोसेस में क्या होता है डार्निंग की प्रोसेस जो होती है उसमें जो हमारा फैब्रिक का जो डैमेज्ड एरिया है या जिस एरिया के ऊपर कट लगा हुआ है या फट गया है उस एरिया की दोबारा से रीविविंग की जाती है रीविविंग का अर्थ है कपड़े की उस भाग पर दोबारा बुनाई की जाती है यानी ताने के धागों को ताने के धागों से और बाने के धागों को बाने के धागों से वापस से मिला दिया जाता है जिससे वहां पर एक इनविजिबल टाइप की मेंडिंग हो जाती है तो इसे हम डार्निंग कहते हैं यानी रीविविंग ऑफ द फैब्रिक इन डैमेज्ड एरिया इज कॉल्ड द डार्निंग या इसको बोलते हैं हिंदी में रफू करना अब डार्निंग जो होती है वो दो तरह की होती है एक होती है हमारी मशीन डार्निंग और दूसरी होती है हमारी हैंड डार्निंग अब हम बात करते हैं सबसे पहले मशीन डार्निंग की मशीन डार्निंग जो होती है वो डार्निंग करने का एक फास्ट तरीका है यानी मशीन डार्निंग की मदद से हम जल्दी से रफू कर सकते हैं लेकिन साथ ही इसका ये नुकसान है कि इससे जो रफू किया जाता है वो ज्यादा नोटिसेबल होता है यानी मशीन डार्निंग से किया गया रफू हमें आसानी से दिखाई दे जाता है वो ज्यादा इनविजिबल नहीं होता है लेकिन साथ ही क्योंकि ये बहुत जल्दी हो जाता है प्लस बहुत मजबूत होता है इसलिए मशीन डार्निंग का यूज जनरली या बहुतायत में किया जाता है मशीन डार्निंग से जो डार्निंग करने का तरीका होता है उसके बारे में बात करते हैं देखिए जैसे ये एक फैब्रिक का डैमेज्ड एरिया है ठीक है ये डैमेज्ड एरिया है जो रेड कलर से दिखाई दे रहा है इस पर हमें मशीन डार्निंग करनी है तो मशीन डार्निंग करने से पहले फैब्रिक का जो डैमेज्ड एरिया है उसके एजेस को हम ट्रिम कर देंगे यानी अगर उसमें से कुछ धागे निकले हुए हैं तो उनको अच्छे से हटा देंगे उसके बाद में एक डार्निंग हुप को फैब्रिक में लगा दिया जाता है अब कपड़े पर जो हम स्टिच काम में लेंगे डार्निंग करने के लिए जो स्टिच काम में लेंगे मशीन डार्निंग में वो या तो स्ट्रेट स्टिच या फिर जिगजैग स्टिच इसमें से कोई भी स्टिच हम काम में ले सकते हैं अब इन स्टिचेस को पहले हम लेंथ वाइज मूव करते हैं इस तरह से ये देखिए इस तरह से लेंथ वाइज स्टिच की जाती है ठीक है और उसके बाद में विड्थ वाइज स्टिचिंग की जाती है मशीन के थ्रू इस तरह से तो आप देख रहे हैं इस तरह से कपड़े की क्या हो गई दोबारा से रीविविंग हो गई है ठीक है तो इस तरह की जो डार्निंग होती है वो मशीन डार्निंग कहलाती है दूसरी हमारी होती है हैंड डार्निंग हैंड डार्निंग जो है वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ठीक है यानी इसको करने में बहुत मेहनत लगती है साथ ही स्किल्स की जरूरत होती है यानी जो बंदा रफू कर रहा है या डार्निंग कर रहा है उसको इसकी स्किल की स्टिचेस की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए तो हैंड डार्निंग का जो मेथड होता है उसके अंदर हम देखते हैं क्या करते हैं देखिए ये जैसे डैमेज्ड एरिया है हमारे फैब्रिक का जहां हमें हैंड डार्निंग करनी है तो हैंड डार्निंग करने के लिए हम जो भी मैचिंग का थ्रेड है नेचुरली डार्निंग के अंदर हम मैचिंग थ्रेड ही यूज में लेते हैं उस थ्रेड से पहले ताने के धागों को निडल्स की हेल्प से इस तरह से बना दिया जाता है सबसे पहले ताना बनाया जाता है यानी जो हमारी लेंथ वाइज ग्रेन के धागे होते हैं उनको हम हैंड निडल की हेल्प से बनाते हैं उसके बाद में विड्थ वाइज यानी कि क्रॉस ग्रेन के अंदर उन धागों की वीविंग करते हैं जिस तरह से बाने के धागे जैसे वीव किए गए होते हैं ना उसी तरह से इन धागों को ताने के धागों को वीव करते हुए फिलिंग की जाती है इस तरह से तो इस तरह से क्या हो गया हमने कपड़े की दोबारा रीविविंग कर दी तो ये भी रीविविंग का ही प्रोसेस है लेकिन इसमें हम हैंड निडल की सहायता से ये क्रिया करते हैं और जो हमारी हैंड डार्निंग होती है वो बहुत ही मतलब एक तरह की इनविजिबल डार्निंग होती है ये अगर बहुत अच्छे तरीके से की गई है तो जनरली ये कपड़े में दिखाई नहीं देती है ठीक है अब डार्निंग से रिलेटेड कुछ टिप्स हम आपके साथ शेयर करेंगे देखिए सबसे पहले जो डार्निंग में सबसे ध्यान में रखने वाली बात है
वो ये है कि डार्निंग चाहे हम मशीन डार्निंग कर रहे हो चाहे हैंड डार्निंग कर रहे हो, उसके लिए जो हम धागा काम में लेते हैं वो धागा फैब्रिक से एग्जैक्ट मैच करता हुआ होना चाहिए। जनरली क्या किया जाता है कि हैंड डार्निंग के अंदर तो ये भी किया जाता है कि जो गारमेंट की अंदर की जो गारमेंट की इनसीम वाला जो भाग होता है वहां से उसी फैब्रिक के धागे निकाल करके उनको डार्निंग में काम में लिया जाता है। लेकिन अगर ये नहीं पॉसिबल है तो भी ये ध्यान रखा जाता है कि धागा एग्जैक्ट फैब्रिक के कलर से मैच होता हुआ होना चाहिए। अगर किसी कारण से हमें फैब्रिक से एग्जैक्ट मैच करता हुआ धागा नहीं मिल रहा है तो फैब्रिक की शेड से एक शेड डार्कर हम थ्रेड यूज में लेंगे, ठीक है। लाइट कलर का थ्रेड यूज में नहीं लेंगे, वन शेड डार्कर थ्रेड हमारा होना चाहिए, ठीक है। दूसरी हम इसमें ये बात ध्यान में रखेंगे कि धागे की जो मोटाई है वो एग्जैक्ट जो फैब्रिक की विविंग में जो थ्रेड काम में लिया गया है उसी के हिसाब से होना चाहिए। यानी अगर हमारा फैब्रिक डेलिकेट है, फाइन फैब्रिक है, तो हम उसके लिए पतला थ्रेड यूज में लेंगे, ठीक है। और अगर हम मोटे कपड़े की डार्निंग कर रहे हैं तो हमारा जो थ्रेड है वो भी मोटा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में जैसे हम डेनिम के फैब्रिक की अगर डार्निंग कर रहे हैं तो डेनिम के फैब्रिक की डार्निंग करते टाइम उसकी जो अपर हमने जो अपर मशीन में जो ऊपर जो धागा लगाया है वो तो फैब्रिक की ब्लू कलर से मैच करता हुआ होना चाहिए। डेनिम का जनरली ब्लू कलर होता है तो ब्लू कलर का हम धागा लेंगे और साथ ही जो हम बॉबिन में धागा लगा रहे हैं वो धागा हम ग्रे कलर का लेंगे, ठीक है। एक चीज का हम और ध्यान रखेंगे कि अगर हम मशीन से डार्निंग कर रहे हैं तो मशीन डार्निंग करते टाइम जो ऊपर का जो धागा होता है उसको थोड़ा लूज रखा जाता है। ऐसा करने से क्या होगा कि जो बॉबिन का धागा होता है उस लूज धागे को नीचे की तरफ खींच लेता है, ठीक है। तो नीचे की तरफ खींच लेने के कारण हमारी जो डार्निंग की जो स्टिचेस होती है वो जनरली इनविजिबल सी दिखाई देती है, ठीक है। और इसमें एक चीज और भी ध्यान में रख सकते हैं कि डार्निंग के लिए जनरली हम ये प्रेफर करते हैं कि स्ट्रेट की बजाय जिगजैग या डेकोरेटिव स्टिच का यूज किया जाए। अगर डार्निंग प्लेन कपड़े पर की जाती है तो जनरली वो ज्यादा विजिबल होती है, वहीं अगर हमारा फैब्रिक मल्टी कलर का होता है या फिर प्रिंटेड फैब्रिक है तो उसके अंदर डार्निंग होती है वो फैब्रिक के साथ में मिक्सअप हो जाती है। तो बच्चों ये डार्निंग के बारे में हमने बात की और हमें ये पता चला कि डार्निंग करने से हम किस तरह से फैब्रिक के डैमेज्ड एरिया को वापस से रिपेयर कर सकते हैं। डार्निंग के टाइप्स के बारे में हमने चर्चा की, डार्निंग करते टाइम हमें किन टिप्स को ध्यान में रखना चाहिए और डार्निंग के मेथड्स क्या है। तो आई थिंक आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।